बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन-ए-किराम, आज हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहाँ पर हमारी एक माँ डिसेबल है, टांगों से डिसेबल है, उठकर भी नहीं बैठ सकती। बहुत मुश्किल से ये फैमिली अपनी ज़िंदगी गुजार रही है, क्योंकि यहीं इनके पीछे जो आप रूम देख रहे हैं, कच्चे रूम हैं, आज में ये फैमिली अपनी ज़िंदगी गुजार रही है। आज इस मुश्किल वक्त में, इस महंगाई के आलम में, ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा नीडी है और इनका कोई करने कमाने वाला नहीं है। मुश्किल वक्त में कैसे गुजारा कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम मामा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मामा? ठीक है, तबीयत से ठीक है? ठीक है अम्मा। क्या मसला है तुम्हारा? जोड़ा का मसला है। अच्छा, इलाज वगैरह करवाने पे मामा? अम्मा कितना खर्चा आया मेरे मेडिसिन का, दवाइयों का कितना खर्चा आया अम्मा? 25-26 हज़ार आ जाता है जी। ये आपकी क्या लगती है मेरी माँ? आपकी फूफू है जी। अच्छा, तो आप इनकी करती हैं कफालत वगैरह? जी, अभी तो मैं हूँ, वैसे इनकी धी होंगी, जब की धी गई है तो मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप इनकी कफालत करते हैं, पहले इनकी बेटी कफालत करती थी जी। फैमिली बहुत ही ज़्यादा नीडी फैमिली और गरीब फैमिली है। ये हमारी माँ जो है, हमारी माँ का शोहर जो है, वो 500 से 600 रुपये दिहाड़ी ले आता है, लेकिन आज के दौर में इस महंगाई के आलम में 500-600 से घर का गुजर बसर नहीं होता। पर आज आटे का रेट है 5,000 रुपये मन, तो ये हमारी माँ अपना ज़िंदगी का गुजर बसर कैसे कर रही है, क्योंकि पीछे कच्चे से रूम है, यहीं पर रहते हैं। बहुत ही मुश्किल से ये फैमिली अपना गुजारा कर रही है। मेरी माँ तुम्हारे घर ही है कच्चे? बारिश में पानी वगैरह कहाँ था उसी जी? अच्छा, थे सूतर आने वाला जी। तो क्या चीज जरूरत है मामा? तो केड़ी शायद दीती हुई, तोरी केड़ी शायद मदद की थी? राशन पानी की जरूरत है। गरीब जो है कि मेर हिस्सा रखो, सारा घर का पूरा इतना मुश्किल नल थी ने। अच्छा, सकी में हिस्सा रखो मन, जो आवे ने शुक्र अदा करे ने बस इसी। अच्छा, ये फैमिली बहुत ही ज़्यादा नीडी है, तो मेरी आप सब बहन भाइयों से गुजारिश है, कोई भी बहन भाई अल्लाह की रज़ा के लिए इस हमारी माँ की मदद करना चाहे तो हमारा नंबर स्क्रीन पर शो हो रहा है, हमसे रब्ता करें, इंशाअल्लाह हम आपका हक़दार तक ही पहुँचाएँगे। जज़ाकुमुल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।